Give it up for Mira! Vale! हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आसिम अजहर और मीरा बली की मंगनी एक साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फैंस के साथ उन्होंने ये खबर एक साल बाद शेयर की है। आपको बताएंगे तमाम तरह का इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आसिम अजहर से मंगनी होने के बाद मीरा बली ने भी आनिया आमिर के बारे में क्या कुछ कहा है। तमाम तफसीलात आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल ही आसिम अजहर और मीरा बली ने अपनी मंगनी के बारे में अनाउंसमेंट की है। आजकल आसिम अजहर और मीरब की मंगनी टॉप ट्रेंड बनी हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तो और, हानिया आमिर को इस दौरान बीच में लाया जा रहा है और इनके बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो पर मीरा बली ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है और क्या कुछ कहा है हानिया आमिर के बारे में, तो बताएंगे आपको तमाम तफसीलात इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे की आप सब जानते हैं की कल ही इनकी मंगनी की न्यूज सामने आई है। अब एक और ऐसी न्यूज सामने आई है जिसमे आसिम अजहर ने एक ट्वीट कोट किया है जिसमे उन्होंने कहा था की मीरा बली इनकी बहन है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको याद होगा कि एक साल पहले आसिम अजहर और मीरब के रिलेशनशिप की खबरें गर्दिश कर रही थी, तो उन खबरों को रोकने के लिए आसिम अजहर ने ये ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि आप सब ये बातें करना बंद कर दें, जिसको देखकर तमाम तर फैंस को यही लगा कि मीरा बली इनकी स्टेप सिस्टर है। फाइनली आसिम अजहर ने अपने ट्वीट के जरिए ये मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दिया और तमाम तर लोगों को बता दिया की मीरा बली ना तो इनकी स्टेप सिस्टर है और ना ही इनकी फर्स्ट कजन है। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ की आसिम अजहर की वालदा गुलेराना मरूफ अदाकारा है और मीरा बली की मदर रोजीना खान इन दोनों बेहतरीन दोस्तें हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताते चलें कि कल से एक पिक्चर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि मीरा बली की वालदा और आसिम अजहर की वालदा ने एंगेजमेंट पिक्चर में जो ड्रेसेस पहन रखे हैं, ठीक एक साल पहले इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें दोनों ने सेम ड्रेसेस पहन रखे थे और हेयर कट्स भी सेम थे। दोस्तों, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी एंगेजमेंट एक साल पहले हो चुकी है, लेकिन मीरा बली और आसिम अजहर ने ये अनाउंसमेंट अब जाकर की है। दोस्तों, आप ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम वही ड्रेसेस हों और उन पर हेयर कट्स भी सेम हों, बाल इधर के उधर ना हुए हों और वही अंदाज वही खुशी चेहरे पे मौजूद हो और एक साल बाद वही पिक्चर शेयर करके तमाम तर लोगों को पागल बनाया जा रहा हो। इसी के साथ आपको बताते चलें कि मीरा बली ने हानिया आमिर के बारे में क्या कहा है। इन्होंने अपने फैंस से कहा कि हमारी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आप किसी तीसरे पर्सन को डाउन ना करें। मीरा बली ने अपने तमाम तर फैंस का बेहद शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप सब हमें इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं और इतनी ज्यादा दुआएं दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूँ। मीरा बली का इशारा इनडायरेक्टली हानिया आमिर की तरफ था। उन्होंने अपने तमाम तर फैंस को इनडायरेक्टली कहा कि आप हानिया आमिर को डिग्रेड ना करें, ना ही उनके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करें। तो दोस्तों, आप सबको ये सच जान के कैसा लगा है कि आसिम अजहर और मीरा बली की मंगनी एक साल पहले ही हो चुकी है और इस सब के बारे में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।